सर, आपको कितना बेनिफिट होगा? तकम पारियो ने बीजेपी को ज्वाइन करी, पालिन में बालू राजा को उन्होंने सपोर्ट करी, इससे आपको बेनिफिट होगा या आपके वोटर्स को कुछ इफेक्ट करेगा इलेक्शन में? कोरोना दाल है उन लोग तो सारा पुराना दाल ऑलरेडी दोनों दाल तो आपका कमजोर हो चुका है, तो सभी जानते हैं वहाँ दाल को मजबूत करना चाहता है, दो दाल कमजोर दाल मिलके स्ट्रांग बनाना चाहता है, क्योंकि लोग उन लोग का जितना भी लीडरशिप को टेस्ट कर लिया है तो अभी यंग माइंड को चाहिए और यंग लीडर को सब पसंद करने लगा, तो दाल को मजबूत नहीं लगा होगा, तो इसीलिए कोरोना दाल मिल गया तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा और इससे भलाई हमारा संपत्ति वोटर्स और बढ़ जाएंगे हमारे लिए। सर, पालिन चम्बंग को लेकर आपका क्या रोड मैप होगा? कुछ इतनी कहीं कहीं जगह डेवलपमेंट नहीं है, रोड कहीं कहीं जगह अंटे में अच्छी रोडे नहीं पहुंची, स्कूल्स अच्छे नहीं कहीं कहीं। देखिए पालिन चम्बंग में उसका सब तो हमारा अभी जो फॉर्मर हमारा है एमएलए साहब राजा साहब को भी सबने बोल रहा है कि मेन ऑफ डेवलपमेंट, मगर आपको मैं इनवाइट करता हूँ, आप लोग नेशनल चैनल है, आप लोग आइए देखिए सही में सही मात्रा में डेवलपमेंट हुआ है ना नहीं हुआ है। हमारा वहाँ बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है, जो डेवलपमेंट गवर्नमेंट का जो स्कीम्स वगैरह जो आए हैं उसको भी सही ढंग पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और हमारा लीडर्स जो वहाँ के बहुत चीज़ों में लैकिंग होने के कारण जो बेसिक नेसेसरी चीज़ें होते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर होती है, जो हमारा हेल्थ सेक्टर होती है और काफ़ी चीज़ों में, आप टूरिज्म जीरो टूरिज्म सेक्टर तो बिल्कुल नील है, तो ऐसा कि हॉस्पिटल सेक्टर कुछ सेक्टर में उन लोग ने फोकस नहीं करने की वजह से आज हमारा यंग लोग सारा रियलाइज हो गया वो लीडरशिप को चेंज करना चाहता है, तो लोग हमें मेरा तरफ जितने भी यंग माइंड लोग जितना यहाँ जोड़ने लगा कि हमारा लीडरशिप को चेंज करना है, तो यही चल रहा है सिलसिला अभी। सर, आप एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस मैन है, एंटरप्रेनर है, आपके पास अलग अलग बिजनेस है, सब एस्टेब्लिश है, पॉलिटिक्स में आके आप लोग आपको किसने पब्लिक के ने बुलाया या अपने आपको भेजिएगा? देखिए मैं पहले भी काफ़ी मीडिया वाइज में भी बोला हूँ कि मैं वहाँ से सेवा करते आया हूँ, एक स्टूडेंट लीडर के रूप में सेवा किया हूँ और यहाँ में भी मैं बड़ी मात्रा में सेवा करना चाहता हूँ, जो मैं इंटरप्रेनिंग में जो सीखा हूँ हमारे वहाँ के लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ, लोगों को नया दिशा दिखाना चाहता हूँ और उन लोग का जो प्रोस्पेक्टिव ऑफ जो डेवलपमेंट जो सजा के चल रहा है वो डेवलपमेंट नहीं है, मैं रियल डेवलपमेंट को फील कराना चाहता हूँ। आपकी तरह तरह की स्थिति में चाहे पालिन हो या ताली हो, सब जगह मनी कल्चर बहुत ज़्यादा चलता है, कुरुंग में तरादारी में इसका में, आप क्या कहेंगे? वोट नोट फॉर वोट चलता है, आपके पब्लिक भी एक्सेप्ट करती है उसको? देखिए पब्लिक को अंधकार में रख दिया, अब हमारे पब्लिक कुछ पब्लिक लोग बेचारा इनोसेंट पब्लिक है, वो बोलता है ये हमारा नेता लोग भी पिछले नेता लोग को भी हम लोग ऐसे बोला था, हमको कुछ को इनोसेंट वो लोग वोटर्स लोग आके बोलते हैं, पिछले बार भी बोला आप 5 साल के लिए ले लीजिए, 5 साल का अपना शेयर लेके बेच जाता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कराते, इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो है ही नहीं और कोई वहाँ पे आपका चेक एंड बैलेंस नहीं करता है, इस कारण से उन लोग सबको आपका वो चूजन लीडर नहीं बनाता और परचेसिंग लीडर बनाता हमारा वहाँ में, और हमारा वहाँ पे किसी वोटर को अपना से वोट मारने नहीं देता है। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं अपील किया हूँ, डीओ को भी अपील किया हूँ और सीओ साहब को भी मैं अपील किया हूँ कि इस बार हमारा 18 पालिन में खास करके वो हमारा आर्ट ऑफ निशी का एक सिविलाइजेशन है, कुरुंग में बोलिए, करादाते बोलिए, इस कमिंग बोलिए और स्पेशली हमारा 18 पालिन चांबांग में इतने लोग इतना साल से अदर फ्रेंचाइजी राइट को एक्सरसाइज करने नहीं मिलता, बोट कैप्चरिंग बाहर में आपका बस अंदर में एजेंट बैठेगा, बाहर में डील कर लिया, इसके बाद में जस्ट उंगली में कलर लगा के जाइए, इसके बाद में बोट को एजेंट मार देता है और कभी नहीं मार पाता है, इतना यंग लोग हमें बेचारा इतना डिप्रेशन होके बताता है, तो ये सब चीज को मैं चेंजेस लेके आना चाहता हूँ, इसीलिए मैं युवा के लिए कर रहा हूँ और हमारा 18 पालिन चम्बंग का प्रोग्रेस के लिए मैं कर रहा हूँ। लास्टली आपकी क्या अपील रहेगी एमपीपी को? नोटबुक आपकी पार्टी का सिंबल होगा, बुक, आप क्या अपील करेंगे अपने लोगों? एनपीपी ऐसा पार्टी है ये जो रीजनल एस्पिरेशन रखता है और नेशनल आउटलुक रखता है और ये हमारा बहुत अच्छा चीज है, हम जो अपना रीजनल पार्टी जो नेशनल आउटलुक का जो विचार रखता है इस विचार का दायरा जोड़ा हुआ हूँ और हम वन नोट इसमें बिलीव करता हूँ और भारत का एक ये नॉर्थ ईस्ट एक भारत का एक अंग है और इस अंग को मजबूत बनाने के लिए हम
एनपीपी में जोड़ना बहुत जरूरी है। सर, कैंपिंग को बहुत कम समय बचा, आप क्या कहेंगे कैंपिंग इतने कम समय में आपकी जीत? देखिए, यहाँ में लोग किसको वोट मारना है, हमारा अभी तक मेंटल तो क्लियरिटी होके बैठा हुआ है हमारा, वो नोट तो जरूर लेंगे, जो हमारा वहाँ का जनता ने भी मन बना लिया है कि जितना भी हमारा जो एग्जिस्टिंग हमारा लीडर है उन लोग से नोट उतारने के लिए सब रेडी है। इसके बाद अभी सब उनका नाम में नोट उतारेगा, मगर वोट एनपीपी को ही जाएंगे। थैंक यू।